करेंगे यूपी की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की। खंडहर में तब्दील प्रसव केंद्र, ऐसा प्रसव केंद्र जहां पर हर महीने 25 से 30 महिलाओं का प्रसव होता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि ऐसा अस्पताल जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं किसी तरह बेहतर हो जाए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। इनको किसी भी तरह का स्वास्थ्य मंत्री का डर नहीं है। ये लापरवाह अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे देवरिया जिले के एक अस्पताल के प्रसव केंद्र की तस्वीर, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसे देखने से ये लगता है कि ये अस्पताल नहीं कोई भूत खाना है। ये तस्वीर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देशही देवरिया की है। इस प्रसव केंद्र की पहचान है जर्जर बिल्डिंग, टूटे फूटे फर्श, गंदगी का अंबार, गद्दे बिना चादर वो भी फटे हाल, बदहाल शौचालय, इंस्ट्रूमेंट में लगे जंग, फर्श पर बिखरी दवाएं और छत से टूटकर लटकता हुआ फर्श। ऐसा बताया जाता है कि इस प्रसव केंद्र पर हर महीने 25 से 30 डिलीवरी होती है, लेकिन इसकी स्थिति देखने से ये लगता है कि यहाँ महिलाओं का प्रसव नहीं होता होगा, सिर्फ कागजों में ही प्रसव कराया जाता होगा। स्वास्थ्य मंत्री लगातार सरकारी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं कि अस्पतालों की स्थिति सुधर जाए, लेकिन देवरिया जनपद के सरकारी अस्पतालों की स्थिति बस से बदतर हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं देवरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देसई में, जहां पे एक लेबर रूम है जहां यहां बच्चे पैदे होते हैं। मैं यहां की स्थिति आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या स्थिति है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलते हैं यहां के वार्ड में, जो यहां पे जो मरीजों का इलाज किया जाता है, बच्चा पैदा होता है उसके बाद यहां जो महिलाएं हैं, महिलाओं को यहां पे एडमिट किया जाता है। देखिए महिला वार्ड है, महिला वार्ड की स्थिति मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ जो भी बेड लगे हुए हैं, बेड की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा ना। यहाँ पे चद्दर बिछाया गया है, यहाँ के फर्श टूटे हुए हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि जब ये अस्पताल बीमार है तो मरीजों का इलाज क्या कर पाएगा। केंद्र पर एएनएम समेत 3 कर्मचारी नियुक्त हैं, लेकिन वो आते नहीं हैं। वहीं यहाँ मौजूद एक स्टाफ नर्स ने बताया कि यहाँ हर माह 25 से 30 महिलाओं के प्रसव कराए जाते हैं, बाकी लोग कहाँ हैं मैं नहीं जानती। इस प्रसव केंद्र की स्थिति जर्जर हो चुकी है, हम लोग डर के साए में जीते हैं। अब मान लीजिए प्रभारी सर से हम लोग कहते हैं, तो कहते हैं कि जो यहाँ की एनम है उनसे कहते हैं कि आप कहो तू सही कराओ, कहीं सब कुछ लिखित दे के। ऐसे कहने से तो थोड़ी ना काम चलता है। हम लोग कई बार उनको एक दो बार लिखित भी दे चुके हैं। वो बिल्डिंग पहले पीएससी के रूप में कार्यरत थी, उसको शिफ्ट करके पिपरा धौला में सारे स्टाफ को शिफ्ट किया गया है, लेकिन गाँव वालों के दखलंदाजी से अभी भी वो पीएससी रन कर रही है। जैसा आपने बताया है कि वहाँ डिलीवरी हो रही है, अभी अधीक्षक से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि दो स्टाफ नर्स और एक एनएम वहाँ पर है, उपकेंद्र संचालित है, इस कारण वहाँ डिलीवरी हो रही है। मैंने उनको हिदायत दी है कि वहाँ अगर सुविधा नहीं है 24/7 की तो वहाँ डिलीवरी बंद कर दें। ऊपर से नीचे तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लूट खसोट में लगे हुए हैं और महिलाओं के प्रसव में मिलने वाली सुविधाओं के धन को कागजों में निपटा रहे हैं। अस्पतालों के टूटे फर्श, फैली दवाएं, बेड और बदहाल व्यवस्थाएं देखकर समझ नहीं आ रहा है कि ये आखिरकार अस्पताल है या खंडहर। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। ये तस्वीरें